हमारे शिव योगियों में जो सभी गुरुओं के गुरु हैं वो भगवान दत्तात्रेय हैं। और ये जो मैं आपको देने आया हूं ये बात तो पक्की है कि फलीभूत अवश्य होगा, फलीभूत अवश्य होगा। और जितने भी शेतकारी हैं, डेढ़ गुनी फसल तो पक्के से पक्के होगी ही होगी। और अगर सच्ची श्रद्धा पूर्वक करा तो दो गुनी से आठ गुनी फसल हो जाएगी। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, इस जीवन को सार्थक करना। और अगर कुछ मांगना है तो भोले बाबा कहते मेरे से मांगना, इधर उधर हाथ फैला के निराश नहीं हो जाना। यदि मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे बहुत से देवी देवता हैं, और जो शेतकारी है वो अन्न का देवता है। सबसे पहले तो अपने को एक दिव्यता स्वरूप देखो, अपने को छोटा और कमजोर नहीं देखना, अपने को हीन नहीं देखना। जब भगवान तुमको अन्न का देवता मानता है, और भगवान शिव का ज्यादा ख्याल तुम पर इसलिए है क्योंकि तुम खेती नहीं करते हो, तुम फसल नहीं उगाते हो। भगवान शिव की जो शक्ति है, माँ अंबाजी का जो दूसरा रूप है, उसको हम कहते हैं अन्नपूर्णेश्वरी। तुम अन्नपूर्णेश्वरी को जन्म देते हो, तुम बहुत दिव्य हो, तुम बहुत डिवाइन हो। तुम यदि सदकर्म करोगे तो ना जाने इतनी कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, और हर बरस ये कृपा बढ़ती जाएगी। वो कहते हैं कि रमता जोगी बहता पानी, तो भगवान ने बहाव इधर कर दिया, मैं तुम्हारे पास आ गया। फसल हर बरस दुगने से ज्यादा होती जाएगी, और धीरे धीरे रसायन का प्रयोग बिल्कुल कम करते करते खत्म कर दोगे। और पहले बरस से ही, पहले बरस से मैं बता रहा हूं, पहला बरस ये खेती करना, पहला बरस कोई बीमारी की मजाल नहीं कि तुम्हारे खेत में आ जाए, कोई बीमारी नहीं आएगी। ये शिव आज्ञा है, ये शिव आज्ञा है, कोई बीमारी नहीं आएगी। देखोगे कोई पशु पक्षी उजाड़ नहीं करेगा तुम्हारे खेत में, पहरा होगा, रक्षा होगी। ये 20 मिनट की साधना रोज करनी है। कितने मिनट की साधना? 20 मिनट की साधना। 20 मिनट की साधना करो और कीटनाशक दवाई छिड़कोगे नहीं इस बरस, तो कौन सा पैसा बचा? स्प्रे का, कीटनाशक दवा का पैसा बच गया कि नहीं बच गया? खेती अगर ईमानदारी से करा तो डबल तो होगी होगी, दुगनी तो होगी होगी। तो जितनी कमाई हो रही थी डबल हो गई कि नहीं हो गई? बोलो यस और ना। और क्वालिटी, आड़त में चले जाना, जो क्वालिटी आपकी फसल की होगी और नाप तुल के देख लेना बाजू वाले की फसल, वैसी क्वालिटी किसी और की होगी नहीं जो आपकी होगी। और हर रोज अपनी जमीन का सैंपल करवाते जाना, हर रोज हर रोज उसकी उपज शक्ति बढ़ेगी।
जहां जमीन बंजर हो रही थी उपज शक्ति बढ़ेगी। जो तुम्हारी गाय है अधिक दूध देगी, गाय का दूध बढ़ता जाएगा। आप नाप लेना दूध और 3 दिन के बाद दोबारा चेक कर लेना दूध बढ़ा कि नहीं बढ़ा, दूध बढ़ेगा। और किसी साइंस लेबोरेटरी में जाकर के दिखा देना वो दूध में ताकत देने की क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और उसी के साथ साथ गाय कभी बीमार नहीं होगी। वो जो गाय को नजर लग जाती है दूध देना बंद कर देती है अचानक, या गर्भवती नहीं होती या गर्भ छोड़ देती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भगवान दत्त की कृपा है, शिव योगियों की सिद्धों की कृपा है, ये भगवान महामृत्युंजय की कृपा है। और धन धान्य आएगा, अब कर्जा कर्जे में नहीं डूबोगे तुम जो है अगर सही ढंग से इस साधना को करोगे। मेहनत करनी होगी, हिम्मत रखनी होगी, कई बरस रसायन डाल डाल के जो धरती को खत्म कर दिया है, पता नहीं कितने बरसों से इतना रसायन डाला है कि वो उपज पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं उन सबको मार दिया है, कितनों की हत्या कर दी है। अब वो पुनर्जीवन पाएंगे, नया जीवन मिलेगा। हम तो अवधूत हैं, हमारे को आंदोलन से क्या लेना देना। हम तो प्रार्थना करते हैं, और मैंने फिर कहा हम तो तुम्हारे लिए उससे मांगते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं, और वही तुम्हारी झोली भरेगा शांति के साथ। और अगर तुमने पारंगत हो गए इसमें, लेकिन ये होगा शुद्ध भावना से, ये कोई राजनीति से नहीं होगा। सच्ची बात बताऊं, हम लोग इससे बहुत दूर बहुत परे, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, साधु जनों का एक ही उद्देश्य होता है, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। और उसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम संपन्न हो गए तो मैं खुश हो जाऊंगा, कहीं भी और होऊंगा। बस आपसे एक प्रार्थना करूंगा, वो भी आपके पुण्य की वृद्धि के लिए, कि जो ज्ञान जो दीक्षा जो शिव योग की शक्ति आपको देकर के जाऊंगा, जब संपन्नता बढ़े, जब कमाई डबल हो जाए, खर्चे कम हो जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि 2-3 बरस में केमिकल रसायन डालना ही नहीं, धीरे धीरे उसको टेपर डाउन करके कम करते जाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और विश्व में अगर डिमांड है किसी चीज की तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। और एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप अमृतस्य शिव योग की अमृतस्य ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, वो खाली ऑर्गेनिक ही ना हो, उसमें अमृत डला हो भगवान महामृत्युंजय का। जो उस भोजन को करे वो पूर्ण स्वस्थ को प्राप्त हो, उसको संपूर्ण शांति मिले। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो आपकी कमाई डबल हो जावे तो 5% उसको निकाल लेना। वो जो साधु है जो तुमको कुछ कहने आया है 5% निकाल लेना, 2.5% जो गरीब है जो भूखा है जिसके पास खाने को नहीं है, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा ना रहे जो भूखा सो जाए, ये ध्यान रखना, नहीं तो आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं। तुम्हारी कमाई बढ़े तो अन्न क्षेत्र लगा देना, भूखों को खाना खिलाना, भंडारा करना,
वो 2.5% जो है वो गौ माता को हरा चारा खिलाना, उनके लिए ये अलग से निकाल के रखना, गाय भूखी ना रह जाए, गाय इधर उधर कूड़ा खाती ना दिखे, उसको तुम देना। क्योंकि गाय अगर है तो खेत जीवित रहेंगे, और अगर गाय नहीं रही तो याद रखो सारी धरती बंजर हो जाएगी। ये जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वहां मैंने ये बताया कि एक साइकिल है, मनुष्य पेड़ पौधे और पशु, ये तीन का पहिया है पूरा, और एक का भी आप पतन कर दोगे, अगर पशु को खत्म कर दोगे, जीव को खत्म कर दोगे, तो वो पूरा सृष्टि का साइकिल खत्म हो जाएगा, प्रलय होएगी। जिस घर में दुर्गा सप्तशती का पारायण होता है वो घर राजयोग को प्राप्त होता है, उसका शत्रु किसी भी रूप में आए, चाहे रोग के रूप में आए, चाहे प्राकृतिक आपदा के रूप में आए, चाहे पशु के रूप में आए या मनुष्य के रूप में आए, मां भगवती उसकी रक्षा करती है, कोई शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यदि अम्मा लोग ये पारायण करें तो जिस घर में दुर्गा सप्तशती का पारायण होता है वो वंश ऊपर ही उठता है, ये आप करके देख लेना। प्रतिदिन 20 मिनट की, कम से कम 20 मिनट की साधना करना, ईमानदारी से साधना करना, और 3 महीने बाद जब फसल कटे या 6 महीने बाद फसल कटे तो खड़े होके बता देना कि देखो मेरी इतनी उपज होती थी और ये जो बाबा जी देके गए हैं अब मेरी फसल इतनी हो गई। जो कह के गया था कि मुझे घाटा ही होता है, अब ये शिव योग का साधना करना और फिर मुझे बताना कि फायदा कितना बढ़ता चला गया। लेकिन परमात्मा की कृपा लेनी है तो भावना शुद्ध रखनी होगी। कुछ शिव योग के सिद्धांत है, शुद्ध भावना निर्मल मन, मन में कुछ विषय विष विषैलापन ये सब चीज ना हो। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। यदि भला करने निकले हो तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सभी सुखी हो जाएं। ऐसा उद्देश्य लेके कोई भी ना आगे बढ़े कि मैं सुखी हो जाऊं और सबको चक्कर में डाल दूं, क्योंकि कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है। इसलिए शुद्ध भावना, हमारे शिव योग में कहा है साधना सेवा संकीर्तन, ये 3 चीज जरूर करना रोज। हमारी जो जमीन है वहाँ पे जमीन में बोर कुआ जो है वहाँ पे पानी बहुत कम रहता है, और जैसे ही सर्दी खत्म होती है बहुत सारे बोर कुएं वो बिल्कुल पानी बिना पानी के हो जाते हैं। मेरे खेत में जो बोर है वो आज भी आपने जो बताया था शिव योग शक्ति उसके हिसाब से आज भी उसी बोर में से पानी निकल रहा है। जो मैंने शिविर ज्वाइन की थी उस टाइम पे मेरी 9 गाय दूध दे रही थी, अभी 7 गाय दे रही थी। 9 गाय जब दूध दे रही थी तो 9 गायों का मिला के 89 या 92 के आसपास उसका दूध मैं डेयरी में पड़ता था। आज 9 में से सिर्फ 7 गाय दूध दे रही है, लेकिन वो 7 गायों का मैं 118 लीटर दूध अभी डेयरी में भर रहा हूँ। लास्ट जो पिछले साल मैंने मकाई की थी तो उसमें 190 रुपये भाव था, इस साल बाजार में जब मैंने मकाई निकाली तो 214 रुपये भाव था। लेकिन मेरी जो मकाई थी उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि जो व्यापारी था उसने मुझे 219 रुपये मतलब पर मन मुझे 5-6 रुपये ज़्यादा मिले।
एक रिक्वेस्ट है, मैंने तो सीख लिया है, एक बार फिर से मेरे एरिया में आके सबको फिर से सिखा दो, सबको मैंने जो किया है वो सबको करवा दो। नमः शिवाय। साधना करना, क्योंकि जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, जिस परमात्मा ने तुम्हें घर दिया है, जिस परमात्मा ने तुमको परिवार दिया है, जो परमात्मा तुम्हें दो वक्त की रोटी देता है, जो परमात्मा तुम्हें वस्त्र देता है, जो परमात्मा तुम्हें धरती दे रहा है, तो 24 घंटे में 20-25 मिनट उसको धन्यवाद नहीं करोगे? करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। और मैं तो कहता हूं धन्यवाद भी ना करो, उससे जुड़ जाओ, उससे जुड़ जाओ। बाकी मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं, मेरी समझ से परे है। लेकिन इतना बता दूं, ये जो शक्ति निकलेगी, ये 20 मिनट अपने खेत में डाल देना। एक तरफ तो तुम रसायन ये भी करके देखो, अपने खेतों में एक तरफ तो रसायन खाद डालना, एक टुकड़ा चाहे आधा एकड़ का हो उसमें कुछ मत डालना, सिर्फ शिव योग की खाद डालना। ये शिव योग की खाद डालना और फिर मुझे बताना किसमें खेती ज्यादा हुई, जिसमें तुमने खरीद के घूम घूम के भाग भाग के पसीना निकाल के खाद छिड़की थी, या जोगी बन के एक जगह बैठ करके 20 मिनट तुमने जहां शक्ति डाली थी। ये शक्ति वो खाद है, ये भोले बाबा की खाद है, ये सप्लाई करने आया हूं, तुमको देने आया हूं, और फ्री में खाद है, ये कोई दाम नहीं लगेगा। पुण्य करना होगा तो साधना, और यही टॉनिक है जो गाय को दोगे तो गाय कभी बीमार नहीं होगी, गाय का दूध बढ़ेगा। और एक संकल्प कर लेना, एक गाय ले लेना और बोलना कि ये कितना 2 किलो दूध देती, इसको 25 किलो का बनाना है, 25 लीटर का बनाना है। तो क्या करना, उस गाय का जो चारा दोगे उस पे शक्ति डालना, गाय का जो चारा दोगे उस पे शक्ति डालना और गाय पे शक्ति डालना। आप देखोगे जैसे जैसे चराई, और चराई उसकी वैसे ही करना जैसे वो अंग्रेजी गाय की करते। अगर आप देखोगे जितना चराई तुम अंग्रेजी गाय को चराते हो, देसी गाय को उसका 20वां हिस्सा भी नहीं देते हो, और फिर कहते हो वो ज्यादा दूध देती है, दूध नहीं देती। तुम्हारा देसी गाय को दूध ये करके देखना, उतनी चराई बढ़ा देना और उतना शक्ति डालना, और देखना उसके जो बच्चे होंगे और आगे उसकी नस्ल जो इम्प्रूव होगी, वही देसी गाय उसका जो जेनेटिक चेंजेस वो वहां करते हैं। मैं तुमको सिखाता हूं जेनेटिक चेंजेस यहां करते हैं, बगैर ऑपरेशन के करते हैं, शिव योग के द्वारा करते हैं। अभी जबलपुर यूनिवर्सिटी में मैंने कहा था उनसे, साइंटिस्टों से मैंने कहा था कि आप जो बीज है, एक बीज तो जो आप संकर किस्म का बीज लाते हो, हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड, दूसरा बीज आप लेना और उसमें शिव योग की शक्ति डालना, या जो भी बीज है, और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप पहले नाप लेना शक्ति डालने से पहले, और 15 मिनट 20 मिनट एक महीना तक उस पर शक्ति डालना, और उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप हैरान हो गए, जो आज तक साइंस ने ना पढ़ा ना समझा ना मान सकता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसके भीतर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कि जहां शिव योग डाला गया बीजों के ऊपर, उनकी गुणवत्ता बाकी सब बीजों से काफी अधिक पाई गई। ये रिपोर्ट है। आपले करना क्या है,
अच्छा तो होगा कि अपने खेत में एक स्थान बना लो, खेत में एक स्थान बना लो जहां पे हर रोज आपने साधना करनी है और शक्ति को अपने खेत में डालना, 20 मिनट करना। आप देखोगे कि खेती तो लहला ही उठेगी, आपके जो उपज शक्ति है आपकी धरती की वो प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और एक बरस के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे, और पहले ही बरस आपको पेस्टिसाइड दवाइयों का छिड़काव ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई बीमारी कोई रोग आएगा ही नहीं। अभी मैं जूनागढ़ में था तो एक शेतकारी ने अनुभव बताया कि कपास की खेती में उसने कोई भी स्प्रे नहीं किया, शिव योग का स्प्रे किया और उसकी कपास की खेती भी खूब बढ़ चढ़ के हुई, फसल खूब बढ़ चढ़ के हुई। तो यह आपका पैसा बचा। अब आपका खेत कितना खराब कितना अच्छा हो चुका है इसको टेस्ट करना होगा। आप एक एकड़ में या दो एकड़ में आप कोई भी खाद नहीं डालना, बाकी सब में तो जो खाद डाल रहे हो डालो, उसमें मत डालना। शिव योग की शक्ति डालना। अगर पहले बरस ही फसल बढ़ जावे बगैर खाद के तो इसका मतलब अब आपको रासायनिक खाद भी डालने की जरूरत नहीं। आप मजे से शक्ति डालो और जो है खेती करो। 50-70% आपका खर्चा बच जाएगा खेती करने का, क्योंकि सबसे महंगे ये रसायन आते हैं, ये केमिकल खाद आती है। जैविक खाद का प्रयोग करना और इस प्रकार से इसको उपयोग में लाना। तो आप अपने खेत में स्थान बना लें या अपने घर में एक स्थान बनाएं जहां पे आपको सूरज के दर्शन हो सके, खिड़की के पास चढ़ते सूरज के दर्शन हो सके। सुबह का समय कंबल के आसन पे बैठ जाना। आपके हाथ से जब शक्ति निकलनी शुरू हो आप सूर्य देवता पे डालते जाना और सूर्य से वो शक्ति अपने खेत में डालना और उस समय ये भाव पैदा करना कि ये शक्ति पूरे पौधों से होती हुई, उसकी जड़ से होती हुई पूरी पृथ्वी के अंदर जा रही है और जितने जीवन देने वाले जीवाणु हैं वो पुनः जीवित हो रहे हैं। और आप देखोगे, मुझे बताना, अगर आपने ईमानदारी से 20 मिनट 365 दिन अगर किया तो डबल तो फसल हो ही हुई, मतलब जितनी आप फसल ले रहे थे उससे दुगनी फसल उनको निकलेगी और क्वालिटी भी अलग होगी। शून्य खर्च के साथ जहर, पेस्टिसाइड एवं रासायनिक खाद मुक्त और अधिक उत्पादन, शिवयोग माइंडफुलनेस फार्मिंग किसानों के लिए। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी कॉस्मिक साइंटिस्ट जो कि प्राचीनतम शिवयोग परंपरा से हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी हमारे पास एक और है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। मैं शिव योग का साइंस के बारे में थोड़ा बताऊं। Thank you.
अपने ही गांव में एक बेहतर जीवन यापन करें और संपन्न बनें।